उठा रहे हैं वो सीधी सीधी बात ये कि जब नंदीग्राम में आंदोलन भी हुआ था तो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ साथ लड़ रहे थे, जो एक संघर्ष उन्होंने वहां पर किया था, उनकी अपनी एक जमीन है वहां पर, करीब 60 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर उनका प्रभाव है, और अकेले नंदीग्राम में ही 67% वोट हासिल किए थे उन्होंने। तो आप भूल रहे हैं वो टीएमसी के टिकट से लड़े थे, और जब नंदीग्राम का जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तब ये पीपल्स मूवमेंट था ममता बनर्जी के लीडरशिप में। शुभेंदु अधिकारी वहां पे एक मतलब तृणमूल कांग्रेस की एक वर्कर है, मतलब थे और लीडर है जो भी बोले, पर ममता बनर्जी के सामने में वो कुछ भी नहीं। आप आगे चल के देखिए ना, अभी बोल रहे थे सुकांत मजुमदार ने कि उनका वन वुमन पार्टी, हमारे 12 सदस्य के एक कमिटी बना हुआ है, इलेक्शन कमिटी, जिसमें ममता बनर्जी हेड कर रही है, सारे ठीक तय कर रहे हैं, पर नंदीग्राम ऐसी जगह पे है, ये एक देश के लिए संदेश भी है। जब किसानों ने लड़ रहा है तब किसानों के पास खड़े होके ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ना तय किए हैं। भवानीपुर की बात बोल रहे थे अभी कि वो भवानीपुर से भाग रहे हैं, ममता बनर्जी को कहीं से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी सीट पे खड़ी हो जाए वो जीत के आएंगी, क्योंकि बंगाल के लोगों के दिल में वो बैठती है। जो भी आप लोग बोले देख लीजिएगा आगे चल के, कितना जलवा शुभेंदु का है वो बाद में पता चल जाएगा, रिजल्ट आने दीजिए। आपके आपके दावे अपनी तरफ, लेकिन अर्पिता घोषी देखिए तस्वीर भी हम बता रहे हैं कि 11 फरवरी को नंदीग्राम से पर्चा भर सकती है ममता बनर्जी। 11 फरवरी शिवरात्रि का दिन, बड़े पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, भगवान शिव की आराधना का दिन है, लेकिन सवाल ये कि ममता बनर्जी जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व को अप्रोच कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से टक्कर लेने के लिए आप लोग भी इन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सॉफ्ट हिंदुत्व का सवाल पैदा कहाँ से होती है, क्योंकि हम लोग हिंदू है, हम अगर शिवरात्रि के दिन जमा करते हैं तो आप लोगों का इतना प्रॉब्लम क्या है? ममता बनर्जी अगर उसमें उस दिन डालते हैं अपना नॉमिनेशन तो उसमें प्रॉब्लम क्या? इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे पहले 11 मार्च को, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। सवाल इसलिए, इससे पहले प्रयास ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे मुस्लिम वोटर को लुभाने की एक कोशिश है। पहली बार इस तरह के स्टेप्स ममता बनर्जी ले रही हैं जो इससे पहले नहीं लिए उन्होंने। ये आप लोग बोलते हो, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व, ज्यादा हिंदुत्व, कम हिंदुत्व, ज्यादा मुस्लिम, कम मुस्लिम, ये बात नहीं है। इलेक्शन में सभी के पास हम लोग जाते हैं, और ममता बनर्जी हिंदू है, अगर वो शिवरात्रि के दिन देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर शिवरात्रि के दिन नहीं भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको नॉमिनेशन डालना है, किस दिन डालेंगे वो अपने तय करेंगे, इसमें किसको मतलब ये बहुत ही खारिज कर रही है वो तमाम आरोपों को। देखिए ममता बनर्जी और टीएमसी के यही स्ट्रेटेजी है, यही ममता बनर्जी जो शायनी घोष जो एक्ट्रेस है उन्होंने शिवलिंग पर कॉन्डोम पहनाया, उसी एक्ट्रेस को उन्होंने बढ़ावा दिया। मतलब आप हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी तस्लीमा नसीन को पकड़ लीजिए, इतने फेमस राइटर है, वो पश्चिम बंगाल में आ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ कुछ लिख दिया। तो ये ममता बनर्जी की डबल स्टैंडर्ड है, और ये जो बीच में ये झोला, हिंदू वाला झोला पहनती है ना, इनका जो मूल इसका टारगेट है कि पश्चिम बंगाल को इस्लामाइजेशन करना है, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश करना है, तो इसलिए ये हिंदुओं को उल्लू बनाना चाहती है। कि हिंदुओं को रावण भी एक बार टकरोन पहना था जब सीता माता का हरण करने के लिए आए थे, तो ममता बनर्जी वही कर रही है कि थोड़ा बहुत टकरोन पहन ले। शुद्ध बनर्जी आ गए हैं हमारे साथ। बनर्जी साहब देखिए, ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लग रहा है कि जिस तरह से वोटर को रिझाने की कोशिश हो रही है, वो अब दिखाई दे रहा है कि कैसे प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं अलग अलग इलाकों में, मंदिरों के दर्शन कर रही हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश कर रही हैं। दादा क्या क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए मंदिर जाना कोई अपराध है? ममता बनर्जी के लिए शिवजी के वहां जाना अपराध है? एक बात बताइए, जब होली के दिन होता है या जन्माष्टमी होता है और शिवरात्रि के होता है, आज तक चैनल रात भर सीधा प्रसारण करता है क्या? आज तक चैनल सॉफ्ट हिंदुत्व करता है? मेरुकरण के राजनीति छोड़ दीजिए, दुनिया के सबसे नाकाम सरकार मोदी सरकार और बंगाल भारत के सबसे नहीं सर, हम तो हर तरह की खबर दिखाते हैं। प्रियंका गांधी भी कामाख्या टेंपल गई थी तो कामाख्या टेंपल की पूरी तस्वीरें दिखाई थी, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, चाय बागान पहुंची, वो तस्वीरें भी दिखाई थी। कोई एतराज नहीं, मेरे एतराज नहीं है। नहीं, इसमें एतराज की कोई बात नहीं, आपको बता रही हूँ, तस्वीरें भी दिखाई थी। किसी दूसरे इलाके जाएंगे वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। नेता अगर मस्जिद पे जाए, बट सवाल वही है कि जाए तो सही, किसानों के बीच जाएंगे तो वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे सर, उस बात पे आप चिंता मत करिए। नहीं, उसमें कोई कमी नहीं होगी सर, मैं आपको श्योर कर रही हूँ उस बात के लिए।